हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट। तो देखते हैं क्या है ये टॉपिक। ये जो है वो क्या है, ये है अर्थ यानी हमारी धरती माता, ठीक है। तो ये है हमारा कैपिटल एम जो कि धरती माता का मास है, ठीक। ये यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम है पवन, उसका मास है ये। यहाँ पर भी एक आदमी खड़ा है जिसका नाम है बबलू, ओके। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो गिर क्यों नहीं रहा। भैया नहीं गिरेगा क्योंकि वो अर्थ के ऊपर खड़ा है। अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है, तो फिर वो इसलिए वहाँ चिपका पड़ा है, वो नहीं गिरेगा, ठीक है। अब क्या बात हो गई, अब है इसकी रेडियस की बारी कि भाई इसका, चलो मास की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं रेडियस की। अब जो इंसान वहाँ खड़ा हुआ है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो जो इंसान खड़ा हुआ है उसका रेडियस होगा नाभि से उसके फुट तक की दूरी, उसका रेडियस होगी नाभि से फुट तक की दूरी, उसका रेडियस होगी, ओके, ठीक है, हो गया। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मास अर्थ का हमने एम से, जैसे कि जो अर्थ है हमने इसमें गोल बना लिया है, लेकिन एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो गोल नहीं होती है, उस पर हम बात करेंगे, ओके। तो हमको करना क्या है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई इसका मास है, इसकी रेडियस है, ठीक है। करना क्या है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो मैन पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है, कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है, ये हमको निकालना है, ठीक है। यही आज हमको सीखना है। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, लास्ट वीडियो में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर था उसमें, ओके। लेकिन हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको क्या लगाना है, हमको लगाना है F इक्वल कैपिटल G, कैपिटल M यानी अर्थ का मास एंड स्मॉल m P यानी पवन का मास अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इसी टाइप से हम बबलू का मास भी निकालेंगे, बबलू पे कितना फोर्स लग रहा है वो उसका फॉर्मूला भी बनाएंगे। कैपिटल जी कैपिटल एम एम स्मॉल एम इंटू वी अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ चीज ऐसी है जो कि कॉमन है, हर एक में रिपीट हो रही है, इतनी चीज जो इतनी डिजिट है वो दोनों में अप्लाई हो रही है सेम, बिल्कुल भी चेंजिंग उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अरे भाई हम इतना लंबा क्यों लिखेंगे, थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे ना, शॉर्टकट हम ये अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे शॉर्टकट अपनाने के लिए, हम जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर को एक नाम दे देंगे, यानी कांस्टेंट का नाम दे देंगे जिसका नाम होगा स्मॉल जी, ठीक है। इसको एक कैपिटल, इसको एक नाम दे देंगे, कांस्टेंट का नाम दे देंगे जिसका नाम होगा स्मॉल जी, जिसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी होता है वही होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ये जो जी होता है स्मॉल जी वो हमारा होता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, अब मेन है कि जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है और वो कैसे निकालते हैं, निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई पुरानी वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पर हमने 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है, आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगी, लास्ट वीडियो में भी हमने इसको पढ़ा है। तो इसको निकालने के लिए ये वैल्यू आपको इसमें पुट करनी होगी, तभी ये आपकी स्मॉल जी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे।
स्मॉल एम की वैल्यू देख लेते हैं, स्मॉल एम की वैल्यू होती है 6 × 10⁴ किलोग्राम। ये हमारी अर्थ की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है। एक्चुअल में किसी को नहीं पता कि कितना भार है उसका, अर्थ का, लेकिन एक कैलकुलेटेड वैल्यू है ये, ओके। रेडियस की बात अगर हम करें तो उसकी रेडियस है हमारी 6400 किलोमीटर, ओके। तो जब हम इन, जैसे कि तीनों जो वैल्यू है हमारी वो आपको याद रखनी है, कहीं भी न्यूमेरिकल्स की अगर बात होगी तो ये वैल्यू आपको है ना कि पुट करनी पड़ जाएंगी। और मेन जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है हमारा जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, तो वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक। ये बात हो गई। जब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा जो जी है उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारी आती है जी इक्वल 9.8, जी इक्वल 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है, ओके। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है। इतना क्लियर हो गया इसकी वैल्यू कहाँ से आती है और कैसे आती है। बहुत सारी बुक्स में ना राउंड फिगर में क्या करते हैं, 10 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो मानते हैं वो 9.8 ही ले लेते हैं। एग्जैक्ट तो 9.8 होता है लेकिन राउंड फिगर में वो 10 लिख देते हैं उसको, ओके। इतनी बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब है कि इसको एक्सेलरेशन क्यों कहा जाता है, भैया इसको एक्सेलरेशन किसने कह दिया, क्या रीजन था ऐसा, तो रीजन आपको समझा देते हैं एक बार। रीजन को देखिए, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं आप, फॉर्मूला देख रहे हैं आप ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हैं आप, यहाँ से देख लीजिए फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आर का स्क्वायर इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, एक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एफ इक्वल एम ए। तो ये जो चीज है वो ए को डोनेट करती है, वो डिनोट करती है ए को, यानी एक्सेलरेशन को। तो इसलिए हम कह देते हैं, ठीक है, इसलिए हम कह देते हैं कि जो पावर है वो किसकी है, ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ इक्वल एम ए को शो करता है, ठीक है। अब इतनी बात समझ में आ गई आपको, और ए की जगह आप हमको जी पुट करना है, ये भी आप देख लीजिए। तो पहला हमारा है, पहला अब ये हमारा समझ में इतना आपको आ गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, अब इतना लंबा हम वैल्यू क्यों लगाएंगे, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे ना। अगर हमको मान लीजिए कि बबलू की, सिर्फ बबलू का हमको देखना है कि अर्थ इस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, कितना ग्रेविटेशन फोर्स बबलू पर अप्लाई कर रही है, या फिर कितना ग्रेविटेशन फोर्स पवन पर अप्लाई कर रही है, तो हम इतना बड़ा क्यों लगाएंगे जो फॉर्मूला है हमारा, हम सॉर्ट करके लगाएंगे ना, क्योंकि अब तो हमने वैल्यूज भी निकालनी है उसकी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं कि बबलू पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, तो उसके लिए क्या हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा पवन जी इंटू एमपी। जी की वैल्यू आपको पता है, ये जी की वैल्यू है, ठीक है, सिर्फ हमने एमपी को बदला है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या है कि हमें फोर्स निकालना है पवन का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशन वैल्यू जो इसकी है वो लगा देंगे, यानी 9.8, और जो पवन का फोर्स है, पवन का जो मास है वो लगा देंगे, तो वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे। अब बात करें बबलू की, तो बबलू को भी ऐसे निकाल लेंगे, इसका भी जो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है बबलू पर, तो वो भी हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। कितना छोटा सा फॉर्मूला हो गया, वरना कितना लंबा हमको वहां लिखना पड़ रहा था, ठीक है। ये दो चीजें आपको एकदम से समझ में आ गई होंगी, ओके। थर्ड एक चीज और हम लोग उसमें बता देते हैं, ये समझ में आ गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी गिवन प्लेनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी गिवन प्लेनेट। जैसे कि
मान लीजिए कोई ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स ये है हमारा एम जी, ठीक है, एम जी हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है। लेकिन आपने एक चीज देखी है, वेट तोलने वाली मशीन देखी है अपने अपने, इस पे हम वेट देखने अपने कि हमारा कितना वेट हो गया है, तो उसका क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम वेट कहते हैं, इसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, यही हमारा वेट हो जाता है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा वेट होता है। तो यहां से हमारा वेट का फॉर्मूला भी निकल आता है, इसको भी हम वेट कह देते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल एम जी, ठीक है। तो फिर ये हमारा आज हमें क्या क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला ये वाला फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता था, हमें मेन चीज सीखने को ये मिली है कि अगर हम देखना चाहें कि हम ग्रेविटी हम पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है तो वो हम अपना निकाल सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ दो चीजें करनी है, सिर्फ दो चीजें करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स आपको पता है 9.8 होता है, और अपना मास आपको एक्चुअल पता ही होगा कि अपना मास कितना है, ठीक है। तो बस लगाना है और अपना फोर्स अप्लाई कर देख सकते हो कि आप पर जो अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। अब हमने बात की थी 9.8 की, तो जो अर्थ है ना वो एकदम गोल नहीं है, जो अर्थ है हमारी वो एकदम से गोल नहीं है। तो जैसे कि जहां पर जैसे कि जो अर्थ है वो इक्वेटर की अगर बात करें तो डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे कम फोर्स अप्लाई करती है, अगर पोल की बात करें तो वहां पे चपटी है तो वहां पे क्या करती है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो ये क्योंकि जहां ज्यादा डिस्टेंस होगी वहां पे कम थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करेगी, और जहां पास में होगा तो वो ज्यादा कनेक्ट करेगा उसके साथ में, ठीक है। बाकी इसकी रेंज तो तुमको पता है कि रेंज तो अच्छी खासी इसकी रेंज होती है, इस फोर्स की ग्रेविटेशन फोर्स की जो रेंज होती है वो काफी दूर तक कवर करती है, और लेकिन ये काफी वीक फोर्स होता है, ये भी आपको पता होगा, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ, ये जी की जो ये कांस्टेंट हम लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ये कैसे हम मास इनका जो फोर्स है जो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे अप्लाई होता है वो हम वो निकाल सकते हैं, और वेट का फॉर्मूला, अगर किसी का वेट निकालना है तो एम जी, भाई जिसका मास जिसका वेट निकालना है उसका मास एंड 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका वेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का टॉपिक क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।